विधायकों ने ये निर्णय किया था कि हम क्षमा याचना नहीं करेंगे, उसके बाद नेतृत्व ने जिन परिस्थितियों में किया, मैं एक अनुशासित सिपाही होने के नाते उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगी और मैंने ऐसा कोई कृत्य भी नहीं किया जिसके आधार पर मुझे माफ़ी मांगी जाए। और साथ में मैंने राष्ट्रवादी संगठनों के मुद्दे पहले भी उठाए हैं और मैंने 1 तारीख को भी उठाया, और ऐसे मुद्दे मैं हमेशा उठाता रहूँगा, इसके जो भी परिणाम होंगे उसके भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने नहीं मांगी, उसके आधार पर उसका जवाब वही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवनानी साहब बोल रहे हैं, तो आपको हम कोशिश करेंगे उनको सुनाने की कोशिश। हाँ भाई साहब, एक बारी दिखा कौन से कितना एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के हिस्ट्री 2 में जिस प्रकार से मुगल शासकों का, विशेष रूप से औरंगजेब का महिमा मंडन किया है, वह इतिहास के तथ्यों से परे है। तथ्य देखे जाने चाहिए, इतिहास तथ्यों के आधार पर पढ़ाया जाता है, उसमें यदि तुष्टीकरण के आधार पर महिमा मंडित की जाती है तो गलत है। मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार के जो तथ्य हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं, उसको एनसीईआरटी की किताब से हटाया जाए और तथ्य परक बातें पढ़ाई जाएं, ताकि हमारे नई पीढ़ी के सामने एक तथ्य आ सके। ये तथ्य है कि हम भी बचपन से पढ़ते आए हैं कि मुगल शासकों ने, विशेष रूप से औरंगजेब ने, किस प्रकार से मंदिरों को ढाया, किस प्रकार से हिंदुओं के जनेऊ उन्होंने काटे, उनकी चोटियाँ काटी, उसके इतिहास पढ़ाने के आज ठीक है, आज वातावरण बदल गया, आज नहीं हो रहा है, लेकिन पुरानी बातें पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए। लिए जिस प्रकार का प्रोटोकॉल है उसे निभाते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, और उस प्रोटोकॉल में जो भी आवश्यक, चाहे निजी स्कूलों पे चाहे सरकारी स्कूलों में, प्रोटोकॉल के पालन करते हुए करें, उसके बिना करेंगे तो जिस प्रकार के बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि वह हम सबके लिए खतरनाक है। इसलिए वैक्सीन भी आ गई है, मैं समझता हूँ उस वैक्सीन की भी गति बढ़ रही है, और अभी तो 60 वर्ष से ऊपर वालों को हुआ है, उनका बहुत जल्दी इसका भी हुआ, कल मैंने भी स्वयं ने लगवाया। मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना वो आयु के अनुसार वैक्सीन लगाएं, और बाकी भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जैसे गवर्नमेंट शुरू करे उसको लगाना चाहिए। बच्चे तो आपस में घुल मिल जाते हैं, उनको कैसे रोकेंगे? देखो, घुलने मिलने से ये नहीं है, 2 गज की दूरी की बात हुई है तो 2 गज की दूरी भी रखेंगे, अगर मास्क लगाएंगे तो मास्क लगाने से काफ़ी बड़ी हद तक हम इसको बीमारी से बचा जा सकता है। देखो, फीस के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया, उसके अलावा अभी इंटरिम आदेश है, कोई परमानेंट आदेश नहीं है, तब तक स्कूल के संचालकों को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो पहले भी कहा था सरकार से कि इसमें सरकार विशेष रूप से बिल ला करके और अभिभावकों को राहत प्रदान करे, ताकि ये जो कोरोना के कारण सबको कठिनाई हुई है, स्कूलों को भी कठिनाई है, अभिभावकों को भी कठिनाई है, तो सरकार अपनी ओर से सहयोग का, अनुदान का बिल ला करके स्कूलों का सहयोग करें, जिससे अभिभावकों को भी लाभ हो सके और संचालकों को भी राहत मिले।